हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विस्तार बुक क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको लिखा है तिशानी दोषी ने। तो इस वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया एंटार्क्टिका के बारे में और बताया गया जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं और उनका हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते चैप्टर को। सबसे पहले समझेंगे कि स्टोरी का थीम है द लेसन रेफर्स टू द मैनर इन विच जियोलॉजिकल फिनोमेना इनेबल अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी कि इस चैप्टर में जो जियोलॉजिकल फिनोमेनाज होते हैं, यानी कि जो बहुत सारी ऐसी जियोग्राफिकल घटनाएं होती हैं जिनसे हम हिस्ट्री जानेंगे कि ह्यूमंस की हिस्ट्री कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन सा काम हुआ है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वे इन विच लैंड मासेज एंड कंट्रीज आर फॉर्म्ड। और इस वाले चैप्टर में बताया गया है राइटर के द्वारा कि जो लैंड मासेज होते हैं और कंट्रीज होती है वो कैसे कैसे बनी है। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस लैंड मास एंटार्क्टिका विल रिवील इंफॉर्मेशन ऑन द थ्योरी ऑफ बर्थ ऑफ आवर प्लैनेट। और राइटर ने ये भी बताया है कि अगर हम एंटार्क्टिका के बारे में जानेंगे तो एंटार्क्टिका से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारा प्लेनेट है यानी कि जो अर्थ है उसके बर्थ कैसे हुआ है, उससे जो डिफरेंट काइंड्स की थ्योरीज है उसका पता चलता है एंड इट्स एसोसिएशन विद द सोलर सिस्टम। और जो अर्थ है उसका कैसे जन्म हुआ है, कैसे वो एक रहने के लिए अच्छे स्थान बनी है और साथ ही साथ उसका एसोसिएशन यानी कि कैसा उसका और भी जो सोलर सिस्टम है उसके साथ कैसा मेल मिलाप है। द चैलेंज टू द इकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड मेक्स द एंटार्क्टिका अ क्रूशियल प्लेस फॉर द स्टडी। जो इकोलॉजी में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, जो बर्फ होती है वो पिघल रही है धीरे धीरे एंटार्क्टिका की, तो जो डिफरेंट काइंड्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी वजह से ये एक ऐसी जगह बन गई है एंटार्क्टिका जहाँ पर स्टडी करी जाती है। द स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम का नाम है द स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम की हिस्सा जो थी वो हमारी राइटर थी और इनके साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम्स प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच हेल्प टू फोस्टर एन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। यानी कि जो ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है और उस मतलब उस जगह के बारे में उनकी विशेषताएं बताई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है और उनका प्रभाव बताया जाता है कि हमारे ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है इन स्टूडेंट्स के लिए कि ये जान पाते हैं प्लेनेट के बारे में और जान पाते हैं कि जो इकोलॉजी होती है उसको मेंटेन रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग चिल्ड्रन टू एंटार्क्टिका टू टीच देम द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द अर्थ। और जो ये स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है, इसका इतना ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता चलता है कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी होता है। वैसे तो सभी हम पढ़ लेते हैं अपनी बुक्स में, थ्योरीज में पढ़ लेते हैं कि अर्थ को हमें सेव करना चाहिए, हमें जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिकल वेज होते हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर अगर फिजिकली हम ऐसे स्थान पर जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं, तो हम उस कंडीशन को, उस प्रॉब्लम को बेटर वे से समझ सकते हैं और उन चीज़ों को सही करने के लिए कुछ अपनी तरफ से भी कदम उठा सकते हैं। तो इसलिए इन स्टूडेंट्स को ले जाया गया था द स्टूडेंट्स ऑन आइस। आइस का यहाँ पर मतलब है एंटार्क्टिका से, क्योंकि एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा बर्फ ही बर्फ होती है, तो स्टूडेंट्स को वहाँ पर ले जाया गया था जिससे उन्हें पता चले अर्थ की इम्पोर्टेंस क्यों है और उसे क्यों बचाना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द राइटर वॉज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम दैट वॉज विजिटिंग एंटार्क्टिका। जो हमारी राइटर है तिशानी दोषी, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो एक हिस्सा थी किसका, द स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट्स थे उन्हें ले जाया गया था एंटार्क्टिका में। टीम क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। और जो ये टीम थी स्टूडेंट्स की, उन्होंने जब वो एंटार्क्टिका जा रही थी तो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में जो टाइम जोन्स होते हैं उनको क्रॉस किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर की जो बॉडीज थी उनको क्रॉस किया एंड एज मैनी इको स्पेयर्स अबॉर्ड अ शिप टू रीच द लैंड ऑफ वंडर। और उसके बाद में ये अपना
ये बताती है मतलब कि जब ये अंटार्कटिका जा रही थी तो कैसे कैसे जा रही थी, अपना सफ़र यहाँ पर शेयर करती है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनको इस प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका ले जाया गया था, और जब ये रास्ते में जा रही थी तो इन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस किया, और लास्ट में एक शिप से ये पहुंची थी द लैंड ऑफ वंडर। ये लैंड ऑफ वंडर क्या है? लैंड ऑफ वंडर है अंटार्कटिका। शी वॉज वंडर स्ट्रक एट इट्स आइसोलेशन। जब ये अंटार्कटिका पर जाती हैं तो ये बताते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल आइसोलेशन है, ऐसा लगता है कि जैसे आइसोलेशन मतलब होता है एकदम अलग स्थान होता है, अलगा होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, कुछ पॉपुलेशन, ग्रीनरी कुछ नहीं थी। इट्स ब्यूटी एंड अबव ऑल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो ब्यूटीफुल एरिया था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एंड अबव ऑल द फैक्ट दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वंस फॉर्म्ड द सेम लैंड मास। और ये बताती है यहाँ पर राइटर कि कभी इंडिया और एंटार्क्टिका एक साथ एक ही धरती पर मतलब एक साथ थी पहले कभी। जैसा कि हमें आपका मैप पता है कि इंडिया एशिया में है और एंटार्क्टिका नीचे वाले मतलब मैप में आप देखो कि एंटार्क्टिका नीचे, लेकिन ये राइटर बताती है कि कभी बहुत साल पहले इंडिया एंटार्क्टिका एक साथ थी, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हुई और जियोलॉजिकल ऐसे फिनोमेना हुए जिनकी वजह से इंडिया और एंटार्क्टिका अलग अलग हो गई। पहले एंटार्क्टिका के ऊपर जो मतलब पेड़ पौधे और जो भी और जानवर थे वो भी रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बाद में इंडिया अलग हो गया, एंटार्क्टिका अलग हो गया, और जो इसके साथ में और भी सारी कंट्रीज थी वो भी अलग अलग हो गई, और यहाँ पर अब कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, कोई भी पेड़ वेड़ नहीं है। अ विजिट टू एंटार्क्टिका अराउंड विच गोंडवाना वंस एग्जिस्टेड इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट। यहाँ पर राइटर बताती है कि जब ये एंटार्क्टिका गई थी और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी और इनको पता चला कि वहाँ पर गोंडवाना में पहले इंडिया और एंटार्क्टिका एक साथ थे, तो इन्हें लगा कि अब ये पास्ट में चली गई है और वहाँ पर अब ये पास्ट के बारे में जानेंगी। उसके बाद में राइटर बताती है एंटार्क्टिका के बारे में, अ विजिट टू एंटार्क्टिका इज लाइक रिविजिटिंग हिस्ट्री। राइटर बताती है कि जब वो एंटार्क्टिका में गई थी तो वहाँ पर विजिट करना एक ऐसी चीज़ थी जिससे वो उन्हें पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें समझ में आ रही थी और अपना जो जैसा पास्ट था उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पास्ट में ही चली गई है। इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस इट होल्ड्स अ हाफ ए मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स। वहाँ पर वो बताती है कि जो वो बर्फ से ढका हुआ है चारों तरफ से एंटार्क्टिका, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है? कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कार्बन से रिलेटेड। इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन एंड ओजोन एंड कार्बन। यहाँ पर पता चलता है इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो डिफरेंट स्पीसीज थे उनका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। पहले वहाँ पर एंटार्क्टिका में गर्म होता था, एंटार्क्टिका इतना ठंडी प्लेस नहीं थी, लेकिन पहले वहाँ पर जब गर्म था तो वहाँ पर इवोल्यूशन हुआ था डिफरेंट स्पीसीज का, जो डिफरेंट जानवर थे और जो प्लांट्स थे, हैबिटेट थे, वो वहाँ पर रहते थे। और लेकिन बाद में जैसे जैसे वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता गया, इंडिया वहाँ से अलग हो गया, एशिया की तरफ आ गया, तो वहाँ पर एक्सटिंक्शन हो गया, यानी कि विलुप्त हो गए, बहुत ज़्यादा जो जाति थी, प्रजाति थी, वो विलुप्त होना स्टार्ट हो गई। विटनेसिंग द जियोलॉजिकल फिनोमेना सच एज द ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज। उसके बाद में राइटर बताती है कि जब वो वहाँ पर जाती है तो डिफरेंट जो जियोलॉजिकल फिनोमेनाज होते हैं, जो घटनाएं होती है जियोग्राफिकल, उनसे पता चलता है कि जो लैंड मासेस थे वो एक्सप्लेन करते कि कंट्रीज कैसे बनी है, कंट्रीज की फॉर्मेशन कैसे हुई है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड हाउ द ड्रिफ्ट हैड क्रिएटेड कंट्रीज। वो बताती है कि उससे समझना आसान हो जाता है कि जो ड्रिफ्ट होते हैं यानी कि जो बहाव आया, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से जो कंट्रीज थी वो क्रिएट हो गई, पुशिंग इंडिया नॉर्थवर्ड्स। इंडिया पहले एंटार्क्टिका के साथ नीचे था, उसके बाद में फिर उसको पुश करके ऊपर एशिया की तरफ भेज दिया गया। वाइल द फोल्ड्स फॉर्म द हिमालयस, और जो हिमालय पर्वतमाला है उनका निर्माण हुआ कैसे, क्योंकि वो फॉर्म्स बनी है डिफरेंट काइंड्स की, और जिसकी वजह से फोल्ड्स वगैरह से हिमालयस का निर्माण हो गया। एंड हाउ द एंटार्क्टिका वाज आइसोलेटेड। और ये भी बताते हैं वहाँ पर जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है कि एंटार्क्टिका पहले इन सब चीज़ों के आसपास था, लेकिन उसके बाद में ये इंडिया ऊपर आ गया और हिमालयस क्रिएट हो गए और एंटार्क्टिका आइसोलेटेड हो गई, यानी कि सबसे अलग हो गई। अब ये एंटार्क्टिका अपनी ही प्लेस पर रह गई थी,
लाइफ फॉर्म्स इन एंटार्क्टिका। इसके बाद में जो राइटर है वो बताती है कि एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा जानवर नहीं है, वहाँ पर पॉपुलेशन तो है ही नहीं, और जो वहाँ पर प्लांट्स है डिफरेंट काइंड्स के वो भी नहीं है, तो वहाँ पर लाइफ फॉर्म्स कैसी पाई जाती है। एंटार्क्टिका इज़ इनहेबिटेड बाय अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स है देखने को मिलती है, कौन कौन सी? वन कैन फाइंड मिडेट्स एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स। ब्लू व्हेल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। देयर आर आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। और वहाँ पर जो आइसबर्ग्स है यानी कि पहाड़ है बड़े बड़े आइस के, वो इतने बड़े बड़े हैं कि एक कंट्री के जितने हैं, यानी कि जितनी बड़ी कंट्रीज होती है उतने ही बड़े वहाँ पर आइसबर्ग्स है, आइस के पहाड़ है। बट देयर आर नो साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स एंड नो बिल्डिंग्स। और यहाँ पर राइटर बताते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन लाइफ नहीं है, कोई भी इंसान नहीं देखा जा सकता आसपास तक, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं है, कोई बोर्ड्स नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी अदर चीज़ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भी घर नहीं है, कोई भी यानी कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता एंटार्क्टिका में। तो वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह, टाउन्स, विलेजेस कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे कुछ नहीं है, ह्यूमन लाइफ वहाँ पर नहीं है। एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद में राइटर शेयर करती है इस लेसन में कि वर्ल्ड का एंड कैसे हो रहा है, यानी कि वर्ल्ड जो ख़त्म कैसे होगा। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड वेरियस थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड। वो शेयर करती है कि जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लगातार जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ हो रही है, और जो थॉटलेस एक्टिविटीज़ है ह्यूमंस की। थॉटलेस का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो बिना सोच विचार करे करे जा रहे हैं, वो खाली अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, ये नहीं देख रही कि एनवायरमेंट पर उसका क्या असर हो रहा है और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के ऊपर भी उसका असर हो रहा है। तो जो थॉटलेस एक्टिविटीज़ हैव एंगेज्ड इट इन अ बैटल विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। और जो उनकी थॉटलेस एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो जो अदर स्पीसीज है, जो ये अदर प्रजातियाँ हैं उनके साथ में लड़ाई कर रहे हैं, और उनको लिमिटेड रिसोर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से जो अदर स्पीसीज है उनको खतरा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब वो अपने रहने के लिए जंगलों की कटाई करना शुरू कर देते, जंगल काट देते, तो जो वहाँ की स्पीसीज होते हैं, जो वहाँ की प्रजातियाँ होती है उनके रहने के लिए जगह नहीं बचती और धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली जाती है। तो जो ये थॉटलेस एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता है किस लिए, एंड करने के लिए, धरती को समाप्त करने के लिए। दीज क्लाइमेट चेंजेस मे अफेक्ट मैन एंड लेड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जो ये क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इन सब की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इनकी वजह से जो ग्लेशियर्स पर बर्फ है वो पिघल रही है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है वो आइसबर्ग्स है वो पिघल रही है, और जिनकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है जो मैन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। उसके बाद में जो राइटर है वो बताती है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस जो ये प्रोग्राम है जो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए लाया गया था, और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो एंटार्क्टिका गए थे, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड टू सेंसिटाइज द यंगस्टर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। तो सेंसिटाइज करना यंगस्टर्स को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं उनको, क्योंकि वो इन सब बातों को ज़्यादा जल्दी अपनाते अपनी लाइफ में एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। जो बड़े आदमी होते हैं वो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, उसको अर्थ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सच्चे दिल से अपने अर्थ के बारे में जानते हैं और इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम लाया गया था, जिससे कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो अर्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है कि अर्थ पे मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है और डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सबको बताया जा सके, जिससे वो वर्ल्ड को सेव कर सके। उसके बाद में राइटर बताती हैं कि जो फिजिकली इनको ले जाया गया था एंटार्क्टिका में, ऐसा क्यों ले जाया गया था। तो उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस बताती है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस वहाँ पर देने क्यों गए थे। एक्चुअली सीइंग ग्लेशियर्स रिसीडिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग विल मेक देम अंडरस्टैंड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियल थ्रेट। ये यहाँ पर राइटर बताती है कि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, उसको मतलब जाकर देखते, तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है
कि हो क्या रहा है। तो यही इन्होंने बताया कि जब हम ग्लेशियर्स को पिघलता हुआ देखते हैं, आइस शेल्स को पिघलता हुआ देखते हैं, तो उसके बाद में हमें खुद समझ में आ जाता है, जब हम प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स वाइल सिटिंग इन आवर लिविंग रूम्स। ये बताती है राइटर कि जब हम अपने रूम्स में बैठकर किताबें पढ़ते हैं और ये बात जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ये कॉजेज़ होते हैं, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए, लेकिन जब हम अपने लिविंग रूम्स में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो ये खाली थ्योरीज फॉर्म में रह जाती है, हम इसको अपनी लाइफ में प्रॉपर वे से नहीं ला पाते उनको। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम वहाँ पर प्रैक्टिकली ये लोग उस चीज़ को देखते हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसके बाद में ये बताया गया है अकेडमिक शोकल्स की, ये नाम था इनकी शिप का जिस शिप में ये बैठ कर गए थे अंटार्कटिका। देयर शिप द अकेडमिक शोकल्स की गॉट स्टक इन अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस एंड सो इट हैड टू बी टर्न नॉर्थ। जो इनकी शिप थी अंटार्कटिका में जा कर के, तो वो एक जैसे बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ, तो जिस नदी पर चल रही थी जो, तो उसके वहाँ पर बर्फ जमी हुई थी और बर्फ में वो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो स्टक हो गई थी एक ही जगह पर। उसके बाद में इन्हें ऐसा बताया गया था कि अब जो ये शिप है ये नॉर्थ की तरफ मोड़ ली जाएगी, तो आप नीचे उतर जाओ। देवर ए ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द आइस। और नीचे उतरने के बाद में इनको बोला गया कि जो थोड़ी दूर का रास्ता है वो आपको पैदल ही जाकर क्रॉस करना होगा। द ग्रुप ऑफ 52, जो 52 स्टूडेंट्स गए थे उसमें, हैड टू वॉक ऑन द 1 मीटर थिक मास ऑफ व्हाइटनेस बिलो दैट इज आइस। जो 1 मीटर की मोटी बर्फ थी उसके ऊपर से ये लोग जा रहे थे, वो बर्फ जमी हुई थी, जैसे पानी जम जाता है तो उसके ऊपर बर्फ रहती है, तो पानी ऊपर बर्फ थी नीचे पानी था, ठीक है। विच वाज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रेदिंग वाटर। जो वो परत थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इतनी मोटी 1 मीटर की परत थी और उसके नीचे 180 मीटर नीचे पानी था, तो नीचे पानी था और ऊपर ठंड की वजह से पानी का बर्फ बन गई थी, और वहाँ पर जो इनकी शिप थी वो चल नहीं सकती थी, तो इसलिए लोग जो इनका ग्रुप था वो पैदल उतर कर उसको क्रॉस करता है, और वो 1 मीटर मोटी होती है बर्फ की चादर और 180 मीटर उसके नीचे वो रहता है पानी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में जो राइटर है वो बताती है सील्स के बारे में। सील्स कौन होते हैं? ये ऐसे जानवर होते हैं जो एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। दे सॉ सील्स स्ट्रेचिंग एंड सनिंग लाइक स्ट्रे डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स। ये बताती है राइटर कि जैसे हमारे यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, यानी कि जो गली में घूमते हैं डॉग्स, वो धूप सेकते हैं तो, और वैसे ही स्ट्रेचिंग करते हैं, तो ऐसे ही कुछ जो एक्टिविटीज़ थी वो एंटार्क्टिका में सील्स कर रही थी, यानी कि वो भी धूप सेक रही थी और उसके बाद में स्ट्रेचिंग कर रही थी। द राइटर थॉट हाउ एवरीथिंग दो रिपीटेड बाई टाइम जोन्स, यानी कि यहाँ पर लिंक करती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डॉग्स की होती है और सील्स की होती है। डॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं इंडिया में और भी अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर एनवायरनमेंट ठीक रहता है, और यहाँ पर एंटार्क्टिका में डॉग्स वगैरह तो रहते नहीं है, लेकिन जो अदर एनिमल्स रहते हैं सील्स वगैरह वो भी इन जो, तो इनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो राइटर उनके बीच में बताती है कि दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक थी, जो एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स करते हैं वही एक्टिविटीज़ वहाँ पर करती है। तो जो इतना ज्यादा टाइम जोन्स को रिपीट करने के बाद भी जो काम होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो दोनों एक जैसे ही करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लिंकेज बैठाती है दोनों जानवरों के बीच में। तो यहाँ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।